भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। रायबरेली में मंच से जब सोनिया गांधी जी ने ये भावुक बात कही, तो हर देशवासी, हर कांग्रेसी और मंच पर बैठे नेताओं की आंखें नम हो गईं। सालों पहले एक 22 साल की लड़की ब्याह कर अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। यहाँ की मिट्टी में रच बस गई, यहीं घरौंदा बनाया, घर बसाया, परिवार बना, प्रेमिका से पत्नी, बहू, माँ, सास और नानी तक बन गई। अपनी गोद में माँ समान सास को दम तोड़ते देखा और अभी उस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि जिसके लिए सब कुछ छोड़कर एक अनजान देश आई थी, उसको भी इस मिट्टी के लिए कुर्बान होते देखा। जितने साल ब्याहता ना रही, उससे ज्यादा वर्ष वैधव्य का दर्द झेला है, लेकिन एक पल के लिए किसी के खिलाफ कटुता नहीं लाई, मुंह से कभी उफ नहीं किया, मुल्क से कभी शिकायत नहीं की, सारा दर्द अकेले सहा, एक विराट हृदय से सारी जिम्मेदारियों का वहन किया। गरिमा और त्याग की अद्भुत मिसाल कायम। रायबरेली मेरा परिवार है। 30 साल आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। सोनिया गांधी जी की ये लाइन भारत से उनके प्रेम और निष्ठा को दिखाती है। इस देश ने उनके पति को महफूज नहीं रखा, इस देश ने उनके सुहाग को सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन ये देश उनके बेटे को अपने दिल में बिठा चुका है। ये देश उनके योद्धा बेटे के साथ उठ खड़ा हुआ है। इस देश पर कर्ज है सोनिया जी की मोहब्बत का, उनके सुहाग का और उनके त्याग का।